दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम भारत का संपूर्ण मैप और भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं सारे के सारे यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम मैप लेकर आए हुए हैं। मैप तो सबसे पहले दोस्तों भारत के मैप से सबसे बेसिक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा बनाते हैं, तटरेखा बनाने वाले राज्य, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुजरात। गुजरात नंबर 1 तटरेखा बनाता है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तटरेखा बनाता है। तीसरा राज्य है गोवा। चौथा राज्य है कर्नाटक और पांचवा राज्य है केरल और छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां राज्य आंध्र प्रदेश और आठवा राज्य उड़ीसा है और इसके बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है नवा राज्य है। तो कितने राज्य हैं जो तटरेखा बनाते हैं, 9 राज्य हैं जो तटरेखा बनाते हैं। अब तीसरे नंबर पर ही एक सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ये देखिए गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य जो है गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा जो बनाता है वह गोवा है, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। अब चौथे नंबर का पॉइंट डिस्कस करते हैं, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। तो देखिए ये लाल रंग से जो लाइन बनी है ये कर्क रेखा है। सबसे नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 7 पर है त्रिपुरा और नंबर 8 पर है मिजोरम। तो मतलब कर्क रेखा सबसे पूरब में अगर आप देखेंगे तो मिजोरम को कट करती है और सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य को कट करती है। ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब नंबर 5वां पॉइंट है, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश देखते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान नंबर 1 है। अफगानिस्तान ये भारत के लद्दाख वाले रीजन से थोड़ी सी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा होती है अफगानिस्तान की। फिर ये है पाकिस्तान, भारत से सीमा साझा करता है। इसके बाद चीन है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इतने देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, बचपन में बीए किया। तो ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला भारत से बांग्लादेश है, ये 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर दूसरे नंबर पर है चीन, चीन से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर बाद में है म्यांमार, फिर भूटान और सबसे छोटी सीमा साझा होती है अफगानिस्तान के साथ। अब आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से देश भारत के किस किस राज्य को टच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए लद्दाख से सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, पंजाब से करता है, राजस्थान से करता है और गुजरात से करता है। तो इतने राज्यों से सीमा साझा होती है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान जो है केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है, लद्दाख से। और इधर नेपाल जो है, नेपाल उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल। वहीं आप देखेंगे चीन जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है चीन। वहीं आप देखेंगे म्यांमार जो है, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है म्यांमार। और बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये इतने देश हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है पश्चिमी तट पर स्थित मेजर पोर्ट और ये है पूर्वी तट पर स्थित मेजर पोर्ट। सबसे पहले देखते हैं पारादीप, उड़ीसा के अंदर है पारादीप पोर्ट। फिर इसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है।
एनोर पोर्ट, सबसे ज्यादा पोर्ट जो है तमिलनाडु के अंदर है, एनोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट। तो तीन पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो ये है पूर्वी तट पर स्थित पोर्ट। पश्चिमी तट पर स्थित पोर्ट जो है कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र के अंदर है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नवाशेरा के नाम से भी जानते हैं, नवाशेरा, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर है। और मार्मागोवा पोर्ट जो है ये गोवा के अंदर है, और मंगलौर पोर्ट जो है कर्नाटक में है, वही कोची पोर्ट जो है कोचीन पोर्ट केरल के अंदर है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। गंगा, गंगा की सहायक, गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। गंगा की जो सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और महानंदा, इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपसे पूछता है। और गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी भितरिका भी है जिसको हुगली के नाम से जानते हैं, ये कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के ही किनारे है। अब दोस्तों देखते हैं सिंधु की सहायक नदियां झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। अब दक्षिण भारत की ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं। गोदावरी की सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, जिसमें पैनगंगा, बैनगंगा और वर्धा, ये तीनों नदी की संयुक्त धारा जो है गोदावरी से मिल जाती है। वहीं इंद्रावती, मनेर और सबरी, ये तीन इंपॉर्टेंट और हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको, बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को ही जाना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अब देखते हैं कावेरी, दक्षिण की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है कावेरी, और यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम है कावेरी का। इसकी सहायक नदियां हैं अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काविनी और भवानी, इतनी कावेरी नदियों की सहायक नदियां याद करनी है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णा नदी, और ये तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वरना, विंदी, मूसी और दूधगंगा, इतनी इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा की। अब आइए दोस्तों देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का भौगोलिक विस्तार, सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वही देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 67 डिग्री 6 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखते हैं भारत का विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। शुरुआत के जो 6 बड़े देश हैं उनमें सबसे बड़ा देश रसिया, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका आता है, फिर आता है ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है भारत। ये 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, और 7 स्टार्टिंग के देशों में रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब आइए देखते हैं भारत के मैप पर सबसे जो पूर्व में जो राज्य है आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में जो राज्य है वो गुजरात है, सबसे उत्तर में जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है, बट लेकिन सबसे उत्तर का जो यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है, और सबसे दक्षिण में जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सबसे दक्षिणी राज्य है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश का किविथू है, किविथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोता जो है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो आता है ये इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देखते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई। आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर भारत की जो चौड़ाई है ये 2933 किलोमीटर जो है भारत की चौड़ाई है। वहीं आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार है।
अब आपको बताते हैं कि भारत में जो टाइमलाइन है, समय रेखा जो है, वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बताते हैं कि जो 82 डिग्री जो भारत की लाइन है, देशांतरीय लाइन है, वही जो है भारत की समय रेखा है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। टाइम लाइन 82.5 डिग्री भारत की समय रेखा है। अब आइए देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में सबसे आप देखेंगे जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट अकांकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस। और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोसिउस्को। वहीं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि एशिया में है, माउंट एवरेस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकांकागुआ, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसिउस्को और एशिया के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। अब आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख शहर जो विभिन्न नदियों के किनारे है उनको। बगदाद इराक का यह शहर जो है ये टिग्रिस नदी के किनारे है। और वहीं वेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे है। वहीं कराची जो है सिंधु नदी पर है। लाहौर जो है वो भी रावी नदी पर है। लंदन थेम्स नदी के किनारे है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। कई बार आपसे पूछा गया है न्यूयॉर्क हडसन नदी। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। और रोम जो है वो टाइगर नदी के किनारे है। और वहीं चाइना का जो शहर है संघाई, ये यांगसी क्यांग नदी के किनारे है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो विश्व में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है, माउंट कोटोपैक्सी। इसके बाद देखते हैं मोनालोआ जो है ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के अंदर है। हवाई द्वीप अमेरिका के कब्जे में है ये हवाई द्वीप, तो ये मोनालोआ जो है हवाई द्वीप में ही है। अब देखते हैं फ्यूजीयामा जापान का प्रसिद्ध ये ज्वालामुखी है। विसुवियस स्ट्रांबोली और माउंट एटना ये इटली के प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। और जिसमें स्ट्रांबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी जो है मियाना ज्वालामुखी ये फिलीपींस का है, फिलीपींस में है। और माउंट मेरापी जो है मेरापी इंडोनेशिया में है। वहीं आप देखेंगे माउंट अकांकागुआ जो अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख घास के मैदानों में उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, इसे प्रेरी के नाम से जानते हैं। यूरेशिया स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में है। और दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है ये पार्कलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है डाउन्स, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ब्राजील की घास का मैदान कैंपास। और कोलंबिया का घास का मैदान लानोस जो है कोलंबिया और गुआना दोनों में फैला हुआ है लानोस घास का मैदान। और अफ्रीका में फैला हुआ है सवाना घास का मैदान। और अर्जेंटीना का काफी महत्वपूर्ण है ये पंपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का एक और इंपॉर्टेंट है पार्कलैंड के अलावा जो वेल्ड है, वेल्ड घास का मैदान भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, यूरेशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका पार्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राजील कैंपास, कोलंबिया गुयाना का लानोज, अफ्रीका का सवाना, अर्जेंटीना का पंपास और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड। अब आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख जलधाराएं देखते हैं विभिन्न महासागरों की, जितनी भी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। तो महत्वपूर्ण जलधाराओं में सबसे पहले हम देखते हैं अटलांटिक महासागर के अंदर जितनी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे जितनी भी जलधाराएं जो हैं
उनकी दिशा अगर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर की, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर होगी अथवा नीचे की ओर होगी, वे जलधाराएं जो हैं गर्म जलधाराएं होंगी। वहीं जिनकी दिशा विषुवत रेखा की ओर होगी, चाहे ऊपर से विषुवत रेखा की ओर हो चाहे नीचे से विषुवत रेखा की ओर हो, वे जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होंगी। अब आइए देखते हैं उत्तरी विषुवत जलधारा। सबसे पहले शुरू होती है उत्तरी विषुवत जलधारा, ये जो है अटलांटिक महासागर की यहाँ से शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे एंटलीज की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा। एंटलीज और फ्लोरिडा की जलधाराएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद ऊपर से आ रही है ये लैब्राडोर की जलधारा जो कि विषुवत रेखा की ओर है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। लैब्राडोर और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जब आपस में मिलती हैं तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण करती हैं, और ये दो भागों में बट जाती है, एक रेनिन की जलधारा दूसरी इरविंजर की धारा। फिर इसके बाद यही नीचे की ओर आगे कनारी की जलधारा और पूरा चक्र हो जाता है, तो एक राउंड पूरा हो जाता है। उत्तरी विषुवत जलधारा, एंटलीज जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इरविंजर जलधारा, रेनिल जलधारा और कनारी की जलधारा। आप देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। दक्षिणी विषुवत जलधारा, इसके बाद ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुएला की जलधारा। तो शुरुआत होती है दक्षिण विषुवत जलधारा से और ये ब्राजील से टकराकर नीचे की ओर एक ब्राजील जलधारा का निर्माण हो रहा है। ये विषुवत रेखा से नीचे की ओर है तो गर्म जलधारा होगी। फिर देखिए ये विषुवत रेखा की ओर जा रही है ये फॉकलैंड की जलधारा, ठंडी जलधारा होगी। दोनों मिलती हैं और दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का निर्माण करती हैं। ये जलधारा जो है विषुवत रेखा की ओर है तो ठंडी जलधारा होगी और यहाँ पर जाकर ये चक्र पूरा होता है। तो इतनी जलधाराएं आपको अटलांटिक महासागर से याद करनी है। अब देखते हैं प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण जलधाराएं। ये उत्तरी विषुवत जलधारा कॉमन है, यहाँ से ही प्रवाह शुरू होता है। ये क्यूरेशिया की जलधारा बनती है, ये देखिए विषुवत रेखा से दूर की ओर है तो ये गर्म जलधारा होगी। और ऊपर से आ रही है ओयोसीओ की जलधारा, प्रशांत महासागर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जलधारा है, कई बार पूछी गई है। अब ये विषुवत रेखा की ओर है तो ठंडी जलधारा होगी। उत्तरी सुसीमा जलधारा और ओयोसीओ जलधारा आपस में मिलकर उत्तरी प्रशांत प्रवाह का निर्माण करते हैं। फिर ऊपर से क्यूराइल की जलधारा आकर इसमें मिल जाती है। फिर ये जो है एक भाग इसका अलास्का जलधारा की ओर चला जाता है, दूसरा भाग कैलिफोर्निया जलधारा की ओर नीचे की ओर आ जाता है। ये देखिए विषुवत रेखा की ओर इसका प्रवाह है तो ठंडी जलधारा होगी। अब देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। सबसे पहले दक्षिण विषुवत जलधारा से शुरुआत हुई, फिर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पूर्व में है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बनती है, और ये विषुवत रेखा से दूर की ओर है तो गर्म जलधारा है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बनता है। और फिर इसके बाद पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, ये देखिए विषुवत रेखा की ओर इसका दिशा है तो ये ठंडी जलधारा होगी। इतनी जलधाराएं जो हैं ये प्रशांत महासागर से पूछी जाती हैं। अब देखते हैं सबसे अंत में हिंद महासागर, हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं देखते हैं। सबसे पहले दक्षिणी विषुवत जलधारा शुरुआत होती है, फिर इसके बाद ये इस द्वीप से टकराकर ये अगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा दो पार्ट में टूट जाती है। अब जो ये जलधाराएं हैं दो पार्ट में टूटने के बाद आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा प्रवाह निर्मित हो रहा है और इसकी दिशा जो है विषुवत रेखा की ओर है इसलिए ये ठंडी जलधारा होगी, और इनकी दिशा जो है विषुवत रेखा से दूर की ओर है। दोनों की दोनों अगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा विषुवत रेखा से दूर की ओर है, गर्म जलधाराएं होंगी और ये हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। तो हिंद महासागर से तीन जलधाराएं पूछी जाती हैं, अगुलहास मोजाम्बिक दोनों गर्म जलधाराएं हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रवाह जो है ये ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों भारत और विश्व के मैप से आपसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।